हेलो स्टूडेंट्स, शिवालय क्लासेस के ऑनलाइन एग्रीकल्चर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। कल अपन ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, एनिमल क्लासिफिकेशन या जो पशुओं का जो क्लासिफिकेशन किया गया है और जो पशुओं के प्रजनन केंद्र या ब्रीडिंग सेंटर थे। आज अपन देखेंगे राजस्थान में पशुधन एवं घनत्व। राजस्थान में पशुधन एवं घनत्व, लाइवस्टॉक पॉपुलेशन एंड डेंसिटी। लाइव स्टॉक पॉपुलेशन एंड डेंसिटी इन राजस्थान, राजस्थान में पशुधन एवं घनत्व। देखो राजस्थान में या अपने विश्व की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक पशुधन वाला जो देश है, विश्व में सर्वाधिक पशुधन वाला देश वो पाया जाता है भारत देश में। विश्व में सबसे ज्यादा पशुओं की जो संख्या है वो है भारत देश में। अब अगर अपन बात करें भारत देश में सर्वाधिक पशुधन वाला जो राज्य है, भारत देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा पशु पाले जाते हैं वो है उत्तर प्रदेश। और राजस्थान की जो पोजीशन है वो है सेकंड पोजीशन। भारत देश में सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य उत्तर प्रदेश और राजस्थान की जो पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन है? दूसरी पोजीशन। अगर अपन बात करें राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जो जिला है वो है बाड़मेर, जबकि राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जो जिला है वो है धौलपुर। राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु राजस्थान के बाड़मेर जिले में पाले जाते हैं, जबकि राजस्थान में सबसे कम पशुओं की जो संख्या है वो राजस्थान के धौलपुर जिले में है। उसके बाद देखो अपन ये तो हो गया टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, कुल पशुओं की संख्या के आधार पर। अगर अपन बात करें डेंसिटी के आधार पर या घनत्व के आधार पर तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पशुधन घनत्व वाला जो जिला है वो है डूंगरपुर। और डूंगरपुर अगर आपको ऑप्शन में ना मिले तो आपको मिलेगा दौसा एवं राजसमंद। डूंगरपुर, दौसा और राजसमंद, जबकि राजस्थान में न्यूनतम
पशुधन वाला जो जिला है वो है जैसलमेर। राजस्थान में सबसे ज्यादा पशुधन घनत्व डूंगरपुर, दौसा और राजसमंद जिले का है, जबकि राजस्थान में न्यूनतम पशुधन घनत्व वाला जो जिला है वो कौन सा है? जैसलमेर है। अब देखो, घनत्व का मतलब क्या है कि पर हेक्टेयर या पर किलोमीटर क्षेत्रफल में ज्यादा या अधिक पशुओं का पाया जाना ही क्या कहलाता है? घनत्व। अगर पर हेक्टेयर क्षेत्रफल में या पर किलोमीटर क्षेत्र में पशुओं की संख्या ज्यादा है तो उस जिले का सबसे ज्यादा पशुधन घनत्व हो जाएगा, एवं जिस जिले का सबसे कम पर हेक्टेयर टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कम है तो उस पशु का या सॉरी उस जिले का न्यूनतम पशुधन घनत्व हो जाएगा। तो देखो, सबसे ज्यादा पशुधन घनत्व है वो है डूंगरपुर, दौसा एवं राजसमंद जिले का, जबकि न्यूनतम पशुधन घनत्व है वो है जैसलमेर जिले का। अगर अपन बात करें राजस्थान के एवरेज पशुधन घनत्व की, राजस्थान का औसतन पशुधन घनत्व, राजस्थान का औसतन पशुधन घनत्व है वो है 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का औसतन पशुधन घनत्व 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब अगर अपन देखें एनिमल्स में, तो देखो राजस्थान में सबसे ज्यादा भैंस किस जिले में पाली जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक भैंस, कौन से जिले में पाली जाती है? जयपुर में। और जयपुर के बाद में जो दूसरी पोजीशन है वो है अलवर। राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की जो संख्या होती है वो राजस्थान के जयपुर जिले में है, जबकि राजस्थान में न्यूनतम भैंस पाली जाती है वो पाली जाती है राजस्थान के जैसलमेर जिले में। उसके बाद देखो, राजस्थान में सर्वाधिक गाय, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो गाय पाली जाती है वो पाली जाती है राजस्थान के उदयपुर जिले में। राजस्थान में सबसे ज्यादा गायों की संख्या राजस्थान के उदयपुर जिले में है, जबकि राजस्थान में न्यूनतम गायों की संख्या, वो है राजस्थान के धौलपुर जिले में। उसके बाद देखो, राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ बकरियों वाला जिला, भेड़ बकरी वाला जो जिला है या राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक भेड़ बकरियां पाली जाती हैं वो है बाड़मेर, जबकि राजस्थान में न्यूनतम भेड़ बकरी जो पाली जाती है वो पाली जाती है राजस्थान के धौलपुर जिले में। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ बकरी राजस्थान के बाड़मेर जिले में, जबकि राजस्थान में न्यूनतम भेड़ बकरियों की जो संख्या होती है वो राजस्थान के धौलपुर जिले में। उसके बाद देखो, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों की संख्या, राजस्थान में न्यूनतम भेड़ बकरियों की जो संख्या है वो राजस्थान के धौलपुर जिले में है। उसके बाद आगे देखो, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट, जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं राजस्थान के
बाड़मेर जिले में। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट राजस्थान के बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं, जबकि राजस्थान में न्यूनतम ऊंटों की संख्या, राजस्थान में न्यूनतम जो ऊंटों की संख्या है वो है राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में, प्रतापगढ़ या फिर झालावाड़। राजस्थान में न्यूनतम जो ऊंटों की संख्या है वो राजस्थान के प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ जिले में है। तो देखो राजस्थान में पशुधन एवं गणना इंपोर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है जेट में। लाइव स्टॉक पॉपुलेशन एंड डेंसिटी, विश्व में सर्वाधिक पशुधन वाला देश भारत देश है, और भारत देश में ही पशुओं की सबसे अच्छी नस्लें भी पाई जाती हैं। भारत देश में सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश है, और राजस्थान का जो स्थान है वो है दूसरा। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला बाड़मेर है, जबकि राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जिला धौलपुर है। राजस्थान में सबसे ज्यादा पशुधन घनत्व डूंगरपुर, दौसा एवं राजसमंद जिले का है, जबकि राजस्थान में न्यूनतम पशुधन घनत्व जैसलमेर जिले का है। राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या राजस्थान के जयपुर एवं अलवर जिले में पाई जाती है, जबकि राजस्थान में न्यूनतम जो भैंस है वो राजस्थान के धौलपुर जिले में है। राजस्थान में सर्वाधिक गाय उदयपुर जिले में है, जबकि राजस्थान में न्यूनतम गायों की संख्या कहां पर है, धौलपुर जिले में। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ बकरी वाला जो जिला है वो बाड़मेर है, जबकि न्यूनतम भेड़ बकरियों वाला जो जिला है वो कौन सा है, धौलपुर है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों की संख्या राजस्थान के बाड़मेर जिले में पाली जाती है, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों की न्यूनतम जो ऊंटों की संख्या होती है वो राजस्थान के प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ जिले में। उसके बाद देखो आगे पशुओं का जंतु वैज्ञानिक नाम, पशुओं का जंतु वैज्ञानिक नाम, जंतु वैज्ञानिक नाम। पशुओं के जंतु वैज्ञानिक नाम में अपन देखेंगे नंबर एक गाय। देखो गाय दो प्रकार की होती है, गाय कुल कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक को अपन बोल सकते हैं कि देसी नस्ल की गाय होती है, और एक जो गाय होती है वो होती है विदेशी नस्ल। इंडिजीनियस काउ होती है और एक होती है एक्सोटिक काउ। देसी नस्ल की जो गाय है और विदेशी नस्ल की जो गाय है, इनमें मेजर डिफरेंस क्या है, इनमें मुख्य रूप से अंतर क्या है, आप कैसे पहचान करोगे कि ये देसी नस्ल की गाय है और ये विदेशी नस्ल की गाय है। तो देखो दोनों में अंतर है। देसी नस्ल की जो गाय होती है उसमें हम्प होता है, क्या पाया जाता है, हम, और विदेशी नस्ल की जो गाय होती है वो हम्पलेस होती है। यानी कि देसी नस्ल की गाय में कुबड़ होता है, जबकि विदेशी नस्ल की गाय हम्पलेस होती है। देसी नस्ल की गाय में गलकंबल होता है, जबकि विदेशी नस्ल की गाय में गलकंबल अनुपस्थित होता है। देसी नस्ल की जो स्किन होती है वो लूज होती है, ढीली होती है, त्वचा ढीली होती है, जबकि विदेशी नस्ल की जो गाय होती है उसकी स्किन टाइट होती है, अर्थात कठोर होती है। अब देखो देसी नस्ल की जो गाय है उसका जंतु वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। और विदेशी नस्ल की जो गाय है उसका जंतु वैज्ञानिक नाम है बोस टार्सस, बोस टार्सस। दोनों में यही अंतर है, जूलॉजिकल नेम है बोस इंडिकस, और विदेशी नस्ल का जूलॉजिकल नेम है बोस
टार्सस। उसके बाद देखो नंबर दो भैंस। भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है बुबेलस बुबेलस। भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम है बुबेलस बुबेलस। नंबर तीन भेड़। भेड़ का जंतु वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिस। बकरी। बकरी का जंतु वैज्ञानिक नाम है कापरा हिरकस। कापरा हिरकस। नंबर पांच ऊंट। देखो ऊंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो ऊंट जिसके एक ही कुबड़ हो और एक वो ऊंट जिसके हम्प या कुबड़ कितने हो, दो हो। तो देखो जो ऊंट दो प्रकार का होता है कौन कौन सा, एक तो एक कुबड़ वाला और एक दो कुबड़ वाला। एक कुबड़ वाला जो ऊंट होता है वो मुख्य रूप से भारत देश के राजस्थान राज्य में, और जो दो कुबड़ वाला जो ऊंट होता है ये मुख्य रूप से लद्दाख या अपन बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा पाला जाता है, लद्दाख जम्मू कश्मीर में। और एक कुबड़ वाला ऊंट राजस्थान के बाड़मेर जिले में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। एक कुबड़ वाला जो ऊंट होता है उसे अपन केमिलस केमिलस ड्रोमेडेरियस कहते हैं। और जो दो कुबड़ वाला ऊंट होता है उसे अपन कहते हैं केमिलस बेक्ट्रिनस। केमिलस ड्रोमेडेरियस एक कुबड़ वाला ऊंट होता है, और जो केमिलस ड्रोमेडेरियस होता है ये दो कुबड़ वाला होता है, ये मुख्य रूप से लद्दाख जम्मू कश्मीर में ही ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद देखो नंबर सिक्स खरगोश। खरगोश का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है ओरेक्टोलोगस कुनिकुलस। ओरेक्टोलोगस कुनिकुलस। और अगर आपसे बोला जाए रैबिट फार्मिंग या खरगोश पालन क्या कहलाता है, तो देखो थोड़ा सा ध्यान देना, खरगोश पालन कहलाता है क्यूनिकल्चर। खरगोश पालन या रैबिट फार्मिंग क्या कहलाता है, क्यूनिकल्चर। तो खरगोश का जंतु वैज्ञानिक नाम है ओरेक्टोलोगस क्यूनिकुलस। उसके बाद देखो घोड़ा। घोड़ा का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है इकुस काबुस। इकुस काबुस। उसके बाद भी सुअर। अब सुअर भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के सुअर, एक तो होता है देसी और एक होता है विदेशी। तो देखो देसी जो सुअर है, देसी और एक होता है विदेशी। देसी सुअर को अपन सस इंडिकस, सस
सचिन इंडिगस, जबकि विदेशी सुअर को अपन सस डोमेस्टिकस। देशी सुअर को सस इंडिगस और विदेशी सुअर को सस डोमेस्टिकस कहा जाता है। उसके बाद देखो मुर्गी या पोल्ट्री, मुर्गी भी दो प्रकार की होती है, एक होती है देशी और एक होती है विदेशी। देशी नस्ल की जो मुर्गियां होती हैं, उनका जो जंतु वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है गेलस गेलस, जबकि विदेशी नस्ल की जो मुर्गियां होती हैं, उनका जंतु वैज्ञानिक नाम होता है गेलस डोमेस्टिकस। देशी नस्ल की मुर्गियों को गेलस गेलस एवं विदेशी नस्ल की मुर्गियों को गेलस डोमेस्टिकस कहा जाता है। तो देखो ये थे अपने पशुओं के जंतु वैज्ञानिक नाम। वापस बता रहा हूं, गाय है दो प्रकार की होती है, देशी होती है विदेशी होती है। देशी गाय और विदेशी गाय के जो पहचानने के जो करेक्टर है, लक्षण है, वो है कि देशी में हम्प होता है, कुबड़ होती है, जबकि विदेशी नस्ल में हम्प लेस या कुबड़ रहित होती है। देशी नस्ल में गलकंबल होता है, विदेशी नस्ल में गलकंबल नहीं होता है। देशी नस्ल की जो गाय होती है उनकी त्वचा या स्किन लूज होती है, जबकि विदेशी नस्ल की जो गाय होती है उनकी जो त्वचा होती है वो टाइट होती है। देशी नस्ल का जूलॉजिकल नेम बोस इंडिकस है, जबकि विदेशी नस्ल का जूलॉजिकल नेम बोस टार्सस है। भैंस का जूलॉजिकल नेम बुबेलस बुबेलस है। भेड़ ओविस एरिस, बकरी कापरा हिरकस। उसके बाद देखो ऊंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक कुबड़ वाला ऊंट होता है और एक होता है दो कुबड़ वाला ऊंट। एक कुबड़ वाला ऊंट मुख्य रूप से राजस्थान के बाड़मेर जिले में पाला जाता है, जबकि दो कुबड़ वाला जो ऊंट होता है वो राजस्थान में मुख्य रूप से राजस्थान के लद्दाख सॉरी भारत देश के लद्दाख जम्मू कश्मीर में पाला जाता है। एक कुबड़ वाले ऊंट को कैमेलस ड्रोमेडेरियस, जबकि दो कुबड़ वाले ऊंट को कैमेलस वेक्ट्रिनस कहा जाता है। खरगोश और इक्टोलॉगस टूरिगुलस, घोड़ा इकुस काबूस। उसके बाद देखो सुअर दो प्रकार का है, देशी और विदेशी। देशी सुअर का जूलॉजिकल नेम है सस इंडिकस, जबकि विदेशी नस्ल का जो सुअर होता है उसे सस डोमेस्टिकस कहा जाता है। मुर्गी देशी और विदेशी। देखो देशी नस्ल की जो मुर्गियां है उनको पालने का जो मुख्य उद्देश्य है वो अंडा एवं मांस प्राप्ति है, मेनली मीट प्रोडक्शन के लिए, जबकि विदेशी नस्लों को पालने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, एग प्रोडक्शन या अंडा उत्पादन। तो देखो देशी नस्ल है उनको गेलस गेलस कहा जाता है, जबकि विदेशी नस्ल की मुर्गियों को गेलस डोमेस्टिकस कहा जाता है। उसके बाद देखो आगे विभिन्न पशुओं के या विभिन्न पशुओं का मांस, मीट ऑफ एनिमल्स, पशुओं का मांस। देखो गाय, गाय का मांस क्या कहलाता है, बीफ। गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। भैंस, भैंस के मांस को बफन कहा जाता है। अब इस बफन मीट को ही केरा बीफ भी कहते हैं अपन। तो देखो भैंस के मांस को बफन या फिर केरा बीफ कहा जाता है। उसके बाद आगे देखो भेड़, भेड़ का मांस मटन, बकरी, बकरी के मांस को चेवन कहा जाता है, बकरी के मांस को
चेवन कहा जाता है, हिरण, हिरण के मांस को वेनिशिलन, हिरण के मांस को क्या कहते हैं, वेनिशिलन, जबकि ऊंट के मांस को हसी, ऊंट के मांस को किसके नाम से जानते हैं, हसी, सुअर का मांस पोर्क, सुअर का मांस कहलाता है पोर्क, और सुअर का जो नमकीनी मांस होता है, नमकीनी मांस, उसे अपन कहते हैं बेकॉन। देखो सुअर का मांस पोर्क होता है, जबकि सुअर के नमकीनी मांस को क्या कहा जाता है, बेकॉन कहा जाता है। उसके बाद देखो नवजात बछड़े का मांस व्हील कहलाता है, नवजात बछड़े का मांस व्हील कहलाता है। मुर्गी के मांस को चिक्कर कहा जाता है, जबकि टर्की, सॉरी कुड़क, कुड़क मुर्गी के मांस को टेंडर कहा जाता है। देखो कुड़क नस्ल की जो मुर्गी का मीट होता है ना, उसका जो कलर होता है, उसका जो रंग होता है, वो ब्लैक कलर का होता है, और कुड़क जो मुर्गी है इसके मांस को टेंडर कहा जाता है। कुड़क नस्ल की जो मुर्गियां हैं तो देखो कुड़क मुर्गी का जो मांस होता है उसे टेंडर कहते हैं। इस नस्ल का जो मांस होता है उसका कलर काला होता है, और मुर्गी की जितनी भी नस्लें हैं यूं कहें कि सबसे अच्छा स्वादिष्ट जो मांस होता है वो टेंडर नस्ल, सॉरी टेंडर मीट होता है, जो कि कुड़क मुर्गी से अपन को प्राप्त होता है। उसके बाद आगे देखो कि जनरली मुर्गी के मांस को अपन सफेद मांस कहते हैं, बाकी अन्य पशुओं का मांस लाल मांस कहलाता है। लाल मांस में मुख्य रूप से भैंस के मांस को सम्मिलित किया गया है। मुर्गी के मीट को व्हाइट मीट कहा जाता है, जबकि अन्य नस्ल का या अन्य जो मांस होता है उसे लाल मांस कहते हैं। लाल मांस में मुख्य रूप से भैंस के मांस को सम्मिलित किया गया है। उसके बाद आगे देखो विभिन्न पशुओं का तापमान, विभिन्न पशुओं का तापमान, नंबर एक गाय, भैंस, भेड़, बकरी और मुर्गी। देखो गाय के शरीर का जो तापमान होता है वो होता है 101 डिग्री फारेनहाइट, या अपन बोल सकते हैं 38.61 डिग्री सेंटीग्रेड, और भैंस के भी शरीर का तापमान कितना होता है 101 डिग्री फारेनहाइट। बट इन विंटर सीजन, सर्दियों में, सर्दियों में भैंस के शरीर का तापमान डिक्रीज हो जाता है, और यह हो जाता है 98.3 डिग्री फारेनहाइट। भेड़ एवं बकरी के शरीर का तापमान होता है 103 डिग्री फारेनहाइट, जबकि मुर्गी के शरीर का जो औसतन तापमान माना जाता है वो माना जाता है 106.5 डिग्री फारेनहाइट। उसके बाद आगे देखो विभिन्न पशुओं की नाड़ी गति, पशुओं की नाड़ी गति, नाड़ी गति, देखो नाड़ी गति में गाय,
भैंस, भेड़ और बकरी। मुर्गी। गाय और भैंस के शरीर की जो नाड़ी गति होती है वो होती है 40 से 50 प्रति मिनट। गाय भैंस की शरीर की नाड़ी गति कितनी होती है? 40 से 50 प्रति मिनट। जबकि भेड़ बकरी की जो नाड़ी गति होती है ये होती है 60 से 80 पर मिनट। जबकि मुर्गी के शरीर की जो नाड़ी गति होती है वो होती है 120 से 150 पर मिनट। मुर्गी के शरीर की जो नाड़ी गति होती है वो होती है 120 से 150 प्रति मिनट। अब देखो गाय भैंस की जो नाड़ी गति ज्ञात की जाती है, गाय भैंस की जो नाड़ी गति ज्ञात की जाती है ये की जाती है पूंछ के पास स्थित कोक्सीजल धमनी से। जबकि भेड़ बकरी की जो नाड़ी गति ज्ञात की जाती है वो की जाती है जुगलर शिरा से। तो देखो गाय और भैंस की नाड़ी गति कोक्सीजल धमनी से, कोक्सीजल धमनी से। जबकि भेड़ बकरी की जो नाड़ी गति ज्ञात की जाती है वो की जाती है हमेशा जुगलर शिरा से। कोक्सीजल धमनी पूंछ के पास होती है जबकि जो जुगलर शिरा होता है यह हमेशा जांघ के पास होता है। उसके बाद देखो विभिन्न पशुओं का तापमान हो गया, नाड़ी गति हो गई, विभिन्न पशुओं की श्वास गति प्रति मिनट, गति प्रति मिनट। देखो गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। गाय की जो शरीर की नाड़ी गति होती है, सॉरी श्वास गति होती है, वो होती है 12 से 18। जबकि भैंस एक मिनट में जो श्वास लेती है वो लेती है 14 से 20 बार। भेड़ एक मिनट में सांस लेगी 14 से 22 बार। जबकि बकरी जो श्वास लेती है वो लेती है 12 से 25, या फिर बोल सकते हैं भेड़ और बकरी का सेम ही है लगभग, 12 से 22 बार। एक गाय एक मिनट में 12 से 18 बार श्वास लेती है जबकि भैंस 14 से 20 बार श्वास लेती है, भेड़ बकरी 14 से 22 बार श्वास लेती है, और ऊंट एक मिनट में 5 से 7 बार श्वास लेता है। एक ऊंट एक मिनट में कितनी बार श्वास ले लेता है? 5 से 7 बार। उसके बाद देखो छोटी छोटी चीजें, जैसे अपन को बोला जाए कि संगरोध क्या होता है, संगरोध, एक तो शब्द होता है संगरोध और एक होता है छटनी। ये छोटे छोटे एनिमल हस्बेंड्री के टर्म है। एक होता है कास्टिंग, ये तीन टर्म है। देखो संगरोध क्या होता है, संगरोध में विदेशी आयातित पशुओं को स्थानीय पशुओं से अलग कर दिया जाता है जिसे अपन संगरोध कहते हैं। क्या करते हैं? विदेशी आयातित पशुओं को, विदेशी आयातित पशुओं को स्थानीय पशुओं से अलग करना, स्थानीय पशुओं से अलग करना क्या कहलाता है? संगरोध। और जो अलग किया जाता है वो किया जाता है लगभग एक माह तक, अपन बोल सकते हैं क्वारंटाइन करना।
तो देखो संगरोध विदेशी आयातित पशुओं को स्थानीय पशुओं से अलग रखना संगरोध कहलाता है। छटनी, छटनी का मतलब है अनुत्पादक पशुओं को उत्पादक पशुओं से, अनुत्पादक पशुओं को, अनुत्पादक पशुओं को उत्पादक पशुओं से अलग रखना, उत्पादक पशुओं से अलग रखना क्या कहलाता है? छटनी। मतलब अनुत्पादक पशुओं को, जो मिल्क प्रोडक्शन पशु करते हैं, उनको सेपरेट कर दिया जाता है अनप्रोडक्टिव एनिमल से। कास्टिंग का मतलब होता है पशुओं को जमीन पर गिराना किसी भी उद्देश्य के लिए, चाहे से डिहोर्निंग करने के लिए गिराना हो, चाहे से पशुओं का आफरा निकालने के लिए गिराना हो। तो देखो जमीन पर पशुओं को, पशुओं को जमीन पर गिराना क्या कहलाता है? कास्टिंग। उसके बाद देखो पशुपालन की शुरुआत ईसा के लगभग 5000 वर्ष पूर्व से हुई है, 5000 वर्ष पूर्व पशुपालन की शुरुआत ईसा के लगभग 5000 वर्ष पूर्व से हुई है। पशुपालन में जितना भी खर्च किया जाता है या पशुपालन में जितना भी खर्चा होता है उसका 60 से 70% खर्चा, कितना प्रतिशत खर्चा? 60 से 70% जो खर्चा होता है वो किस पर होता है? आहार पर। यानी कि पशुपालन में अगर आप 100 रुपए खर्च कर रहे हो ना, उनमें से 60 से 70 रुपए आपको खर्च करने होंगे किसके ऊपर? उस पशु की डाइट के ऊपर। थैंक यू।